बिग बॉस के घर में दोस्तों अब इस वक्त हिना खान जी आती हैं। हिना खान आकर दोस्तों कंटेंडेंट्स को जगा कर जाती हैं, झकझोर कर जाती हैं कि जागो भैया, अब आपका तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो हिना खान यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क लेकर आती है, जो कि है कि आगे आने वाले हफ्तों में, मतलब कि ये जो एक हफ्ता आएगा, तो इसमें आपका टारगेट कौन होगा, किसको आप पूरे हफ्ते भर टारगेट करेंगे। तो ऐसे में अक्षरा सिंह, जो कि भोजपुरी सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स में से हैं, सुपरस्टार्स में से हैं, उनका कहना है मैं इस हरी मिर्च को करूंगी। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं राहुल बोझ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल बोझ के नाम से, वहां पे मुझे फॉलो जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों आपकी हरी मिर्च क्यों कहती हैं और वो प्लस क्या पूरा माजरा हुआ है। दरअसल हिना खान जी का ये जो टास्क था, इसमें एक चक्र जैसा बना है जिसमें कि जिसको वो टारगेट कर रहे हैं उसका मुंह आएगा और उसके बाद उस पर फोम से स्प्रे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं तो हिना खान बोलती हैं कि अक्षरा आप पहले आइए। अक्षरा आती हैं और अक्षरा आकर लेती हैं शमिता शेट्टी का नाम, कहती हैं कि मैं इस हरी, ये बहुत हरी मिर्ची है, ये बहुत मिर्ची है, इस वजह से बता दूं आपको, तो राखी सावंत ने मिर्ची का टाइटल दिया है शमिता शेट्टी को, जिसके लिए वो कहते हुए भी नजर आई थी कि ये बहुत तीखी है और करारी भी है। ऐसे में आप लोगों को बता दूं तो अक्षरा सिंह बोलती हैं कि अब आने वाले पूरे एक हफ्ते में यही है मेरा टारगेट, ये इसी को ही मैं टारगेट करूंगी शमिता शेट्टी को, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ये नीचा दिखाते हुए आई हैं, मुझे कुछ ना कुछ बोलते हुए आई हैं हमारी क्लास को लेकर या सारी चीज़ें, तो अब मैं सिंपल सी बात है कि मैं पूरे आने वाले हफ्ते में इनको ही टारगेट करूंगी। अक्षरा सिंह देखते हैं कि किस तरीके से टारगेट करती हैं शमिता शेट्टी को, और शमिता शेट्टी क्या वो मौका दे पाती हैं अक्षरा सिंह को कि वो उनको टारगेट करें बैक टू बैक। भाई सबसे बड़ा मामला है ये तो। सो ऐसे में दर्शकों आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में ज़रूर बताइएगा, एंड बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे फीफा फूज, और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, बाय।